कथा अनकही। यहाँ पर कथा और वियान के बीच का रिश्ता क्या कुछ कम कॉम्प्लिकेटेड था कि अब इसमें और कॉम्प्लिकेशंस ऐड करने आ गया है तीसरा कौन। जी हाँ, एक तीसरी एंट्री हुई है और जिस रॉब के साथ ये अंदर घुसी है ना, यकीन मानिए ये बात बिगाड़ने ही वाली है, सुलझाने नहीं वाली। लड़की है, जरा इसका कॉन्फिडेंस तो देखिए। आखिर कौन है ये जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कथा और व्यान के पास आई है? उसका सपना है अर्थकॉन में काम करने का। आपका इंटरव्यू काफी टाइम के बाद है। कल रात सो नहीं पाई सर, कुडंट स्लीप एट ऑल, नींद ही नहीं आई, इसलिए जल्दी आ गई। बेटर अर्ली देन लेट, ऑलवेज। आपको बता दे, इन मोहतरमा का नाम वान्या है, जो रिश्ते में वियान रघुवंशी की इस सौतेली बहन है। जी हाँ, बहुत जल्द ये खुलासा होगा सीरियल में। अब आ गई है अपने भाई वियान से मिलने के लिए। मैम एक्चुअली मैं छोटे शहर से हूँ ना, तो मैं एक बार वियान सर से सुना जाती थी, कांग्रेचुलेशंस, आप मुंबई आ सकती हैं। सॉरी, यू कैन कम टू मुंबई। आप मुंबई आ रही हैं। वैसे अब जरा कथा और व्यान की बात करते हैं, जहाँ पर बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कथा का सपना है जो व्यान को पता चला है, उसने कोशिश की है कथा के सपने को पूरा करने की। एंड एक कॉन्वर्सेशन में मुझसे कहती है कि यू नो व्हाट, सम ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, एंड एक्सेप्ट करना चाहिए एंड ये करना चाहिए, एंड मैं चुपचाप सुनता हूँ, एंड दैट्स बेसिकली द डिजाइन आई गेट फॉर। लेकिन कथा है कि जिसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वियान की बातों से वो इम्प्रेस तो हुई है, लेकिन शायद उसके मन में कुछ और भी चल रहा है। आई थिंक ये जो भी वियान ने किया, आई थिंक कथा इज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज डन समथिंग दिस स्पेशल फॉर कथा, सो आई थिंक इट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू, आई एम लाइक शी रिस्पेक्ट्स हिम फॉर व्हाट ही इज डन। अब खैर, इन दोनों का रिश्ता बहुत ही खास हो गया है। दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझने लग गए हैं कि अब इन्हें किसी भी बात से बुरा नहीं लगता है। लेकिन इनका रिश्ता कैसे एक होगा, ये तो फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।